कुछ पंक्तियां कोट कर रहा हूं उन्होंने लिखा है जब भी आप तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महानता तमिल त्योहारों और तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों की चर्चा की है गुरु प्रसाद जी आगे लिखते हैं कि मन की बात में मैंने तमिलनाडु के लोगों की उपलब्धियों के बारे में भी कई बार बताया है थिरुकुरल के प्रति आपके प्यार और थिरुवल्लवर जी के प्रति आपके आदर का तो कहना ही क्या इसलिए मैंने मन की बात में आपने जो कुछ भी तमिलनाडु के बारे में बोला है उन सब को संकलित कर एक ई बुक तैयार की है क्या आप इस ई बुक को लेकर कुछ बोलेंगे और इसे नमो ऐप पर भी रिलीज करेंगे धन्यवाद ये मैं गुरुप्रसाद जी का पत्र आपके सामने पढ़ रहा था गुरु प्रसाद जी आपकी ये पोस्ट पढ़कर बहुत आनंद आया अब आप अपनी ई बुक में एक और पेज जोड़ दीजिए नान तमिल कला चाराक्तिन पेरिय अभिमानी नान उलक पलमयान तमिल मोलियन पेरिय अभिमानी उच्चारण का दोष अवश्य होगा लेकिन मेरा प्रयास और मेरा प्रेम कभी भी कम नहीं होगा जो तमिल भाषी नहीं है उन्हें मैं बताना चाहता हूं गुरु प्रसाद जी को मैंने कहा है मैं तमिल संस्कृति का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल का बड़ा प्रशंसक हूं साथियों हर हिंदुस्तानी को विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे देश की है इसका गुणगान करना ही चाहिए उस पर गर्व महसूस करना चाहिए मैं भी तमिल को लेकर बहुत गर्व करता हूं गुरु प्रसाद जी आपका ये प्रयास मेरे लिए एक नई दृष्टि देने वाला है क्योंकि मैं मन की बात करता हूं तो सहज सरल तरीके से अपनी बात रखता हूं मुझे नहीं मालूम था कि इसका यह भी एक एलिमेंट था आपने जब पुरानी सारी बातों को इकट्ठा किया तो मैंने भी उसे एक बार नहीं बल्कि दो बार पढ़ा गुरु प्रसाद जी आपकी इस बुक को मैं नमो ऐप पर जरूर अपलोड करवाऊंगा பிரசோத் எல்லா வசதிகளும் உள்ளடக்கிய உள்ளதை சொல்வோம் நல்லதை செய்வோம் பொன்னி மருத்துவமனை திருச்சிரோடு பல்லடம்